नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड में सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति जल्द होगी लागू। यूजीसी ने सभी कुलपतियों को दिया निर्देश। विश्वविद्यालय में जल्द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेल स्थापित करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की कार्रवाई शुरू की है। यूजीसी के अध्यक्ष ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भेजकर नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों में जल्द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये सेल नीति के सभी आवश्यक पहलुओं का अध्ययन कर इसे लागू कराने की दिशा में कार्रवाई करेगा। इसके अलावा सेल समय समय पर इसकी निगरानी करेगा। अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई है। इस नीति के तहत विश्वविद्यालय कॉलेज कैंपस में लचीलेपन को बढ़ावा देने और छात्र गतिशीलता की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक की स्थापना करनी है। अध्यक्ष ने बताया कि सेल के माध्यम से क्रेडिट सिस्टम लागू करने, संस्थानों में प्रत्येक कोर्स से अधिक नामांकन, कोर्स में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू करने, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा को सुगम बनाने और सभी विश्वविद्यालय में इसके लिए नियम परिनियम में संशोधन कराने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन शिक्षा और अधिक सशक्त करने, क्रेडिट की मान्यता और एकीकरण, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क, सभी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय की स्थापना करना प्रमुख लक्ष्य है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।